नमस्कार, मैं हूं अविनाश। न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो कई बार प्रभावी अंदाज में आप तक नहीं पहुंच पाती। उन्हीं खास खबरों की तह तक जाकर उनमें छिपी हकीकत को जानने के लिए पेश है हमारा खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल। कुछ करने की तमन्ना और जुनून हो तो मंजिलें खुद कदमों पर आ जाती हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ करके दिखाया है रायसेन जिले के एक किसान पुत्र महाराज सिंह लोधी ने, जिनके द्वारा बनाया गया कल्टीवेटर कृषि के क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। महाराज सिंह के इस आविष्कार को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे बड़ी बात ये, महाराज सिंह महज 10वीं कक्षा पास हैं, लेकिन उनकी सूझबूझ और प्रयोग इंजीनियरिंग की करामात से कम नहीं है। इस कल्टीवेटर की खासियत यह है कि 3 बार की जुताई इसके जरिए एक बार में ही हो जाती है और कीमत भी इतनी कम है कि कोई भी छोटे से छोटा किसान इसे खरीद सकता है। महाराज सिंह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया है और यह गर्व की बात है पूरे जिले के लिए कि एक किसान पुत्र राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुआ और उनका बनाया कल्टीवेटर अब कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आया है। आपने ये नई चीज बनाई है, आगे भी कोई बड़ी चीज बनाने की इच्छा है? हाँ, बनाने की इच्छा है बहुत सारी। क्या बनाना चाह रहा है आगे? एक डीपी है, मतलब जो कि मोबाइल जैसे चलेगी, ट्रांसफार्मर और एक मोटर है। मतलब बिजली भी आप बनाएंगे? नहीं, मतलब चोरी नहीं होगी वो डीपी से, ऐसा है। और मोटर है, एक पंप बनाया, मतलब नए डिजाइन का, वो 1.5 गुना पानी देगा ज्यादा। आपकी पढ़ाई कौन सी तक है? जी 10वीं। कल्टीवेटर तैयार किया और चला के देखी। कितनी कड़ी जमीन हो? हाँ, कितनी कड़ी जमीन भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पथरीली जमीन पे भी? हाँ, क्योंकि उसमें जो बर्मा आगे चलते हैं वो मतलब डेल का काम करते हैं, वो पीछे जो कटर है वो मिट्टी को छोटा करता है। दोनों चीज है जी। दोनों। कितना समय लगा इस चीज को बनाने में? इसको बनाने में शुरू में तो करीब 1 माह में, मतलब महीने लगा था, अब इतने नहीं लगते, अब 4 दिन में कम्प्लीट हो जाता है। कितना खर्चा आता है उसका? इसमें वो ज्यादा 50,000 करीब। तो उसकी विशेषता यह है कि किसान जब जनरली अपनी जुताई करता है तो 2 या 3 बार में ही खेत अच्छी तरह से तैयार हो पाता है, मगर इस प्लाऊ की खासियत यह है इसमें जुताई के लिए सिस्टम दिया गया है और रोटावेटर की, जैसे वो प्लाऊ जो चलाता है किसान तो उसमें जुताई भी हो जाती है और रोटावेटर टाइप में पीछे उसके जो स्टम लगा उसमें ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। तो ये किसानों के लिए वरदान है, इसमें किसानों ने अच्छी रुचि ली। वहाँ देखने इस खबर संवाददाता अजय गोहिल हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजय, ये जो महाराज सिंह ने आविष्कार किया है, ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति समझा जा रहा है इसको? अविनाश, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि किसान बहुत सालों से देखा जा रहा है कि किसान प्रकृति की मार झेल रहा है, कहीं किसी चीज की मार झेल रहा है, कहीं तुषार की मार झेल रहा है। ऐसे में उदयपुरा के नया खेड़ा के किसान महाराज सिंह लोधी ने जो नया आविष्कार किया है, ये काबिले तारीफ है, जिसके कारण उसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराज सिंह लोधी ने ये बाहू प्लाऊ का निर्माण किया है जिसकी लागत करीब 50,000 रुपए आई और इसको बनाने में करीब उसको 1 महीने से 3 महीने का समय। असीमित जो साधन होना चाहिए वो साधन नहीं है, उसके बाद भी व्यक्ति ने अगर ऐसा निर्माण किया है तो जिसके काबिले तारीफ है। और उसने एक बार में जो प्लाऊ में 50,000 रुपए के खर्च तक खर्चा आता था प्लाऊ करने में, उपजा हर हकाने में और फिर जोतने में, तो उसने उसमें 2 ड्रिल लगाए हैं और जो पत्थर को एक रोटावेटर जैसा काम करता है, दूसरा मट्टी को पतला करने का काम करता है, जिसके कारण एक ही बार में पूरी हकाई और जुताई हो जाती है और जिसके कारण बोनी एक बार में हो जाती है। ये बड़ा आविष्कार कहा जाएगा अविनाश। अजय, एक बात है, जैसा खबर सुनने में आई है कि महाराज सिंह जो है सिर्फ मात्र 10वीं पास हैं, लेकिन उनका बनाया ये कल्टीवेटर जो है इंजीनियरिंग का कमाल कहा जा सकता है इसको, जहां बड़े बड़े इस तरह के औजार जो बनाए जाते हैं, कृषि उपकरण बनाए जाते हैं, उसमें इंजीनियरिंग लगती है, कई विषय विशेषज्ञों की सूझबूझ और मेहनत से कई भी कोई चीजें बनती, लेकिन ये महज 10वीं पास है और उसके बावजूद उन्होंने जो ये कल्टीवेटर बनाया है, ये इसे करिश्मा ही कहा जाए तो क्या कम होगा? बिल्कुल, एक 10वीं पास युवक है जिसको ये देख रहा था कि वो बहुत सालों से देख रहा था कि मेरे परिवार में पिताजी कृषि कर रहे हैं और
कृषि घाटे का सौदा बन रहा है और दो दो तीन तीन बार जुताई करना पड़ती है, उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना एक कल्टीवेटर का ऐसा निर्माण किया जाए जिसमें हकाई जुताई का जो समय है वो तीन बार की जगह एक बार में ही हो जाए और इसमें उसमें फिर खर्चा भी कम आए। तो ये उसने काबिले तारीफ है उसके इसी के कारण के इसी प्रयोग के लिए उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जिसको जो उसने बनाया है कल्टीवेटर ये काबिले तारीफ है और कृषि अधिकारी ने तक इसकी बहुत तारीफ की है। और जब भारत के राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कोई ना कोई काबिले तारीफ काम किया है। और अब उसके बनाए हुए कल्टीवेटर की पूरे रायसेन जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी मांग बढ़ रही है, जिसके कारण अब वो कृषि छोड़कर मुझे लगता है कि वो अब ये निर्माण एजेंसी बनाएगा। तो कृषि से जी बिल्कुल सही कहा आपने अजय कि कृषि से जुड़े भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो इसी कृषि से संबंधित ही कहे जाएंगे। यदि वो कृषि उपकरण भी बनाते हैं तो कहा तो यही जाएगा कृषि संबंधित कार्य, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए जो ये कल्टीवेटर बनाया है उनकी परेशानियों को सहज कर दिया है, उनकी परेशानियों को कम कर दिया है, तो क्या इनका ये आविष्कार जब राष्ट्रपति पुरस्कार भी जब मिल चुका है, इनका नाम ख्याति भी पहुंच चुकी है देश भर में, तो कब इनके पास भी और जगहों से वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक आकर के इनके इस कल्टीवेटर को देख रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं लोग जो यहाँ आते हैं? जब से इसका ये राष्ट्रपति पुरस्कार से महाराज सिंह लोधी को सम्मानित किया गया है तो रायसेन जिले के लिए वैसे भी ये गौरव की बात है। और जब इस कल्टीवेटर के बारे में जितने भी आसपास के जिलों में जो इंडस्ट्री चलाते हैं जो कल्टीवेटर बोनिंग मशीन बनाते हैं वो लोग आकर उससे संपर्क कर रहे हैं कि अगर आप कहो तो ये हम आपके लिए बनाकर उपलब्ध कराएंगे, मगर महाराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मुझे मालूम है कि पीड़ा क्या होती है गरीब के पास जब पैसा नहीं होता है, तो अगर आपसे बनवाऊंगा तो आप निश्चित रूप से उसमें लागत में कुछ मुनाफा कमाओगे और फिर मुझे भी मुनाफा कुछ चाहिए, तो इस कारण मैं जो लागत आएगी उसमें मात्र में 1,500 रुपए लागत मेहनत कर लूंगा और बाकी मुझे किसी से किसान से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपसे नहीं बन पा रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से मैं बनाऊंगा। तो महाराज सिंह को अन्य किसानों की चिंता नजर आ रही जिसके कारण उन्होंने अन्य जो इंडस्ट्री चलाते हैं जो ये ट्रैक्टर कल्टीवेटर बोनिंग मशीन बनाते हैं जिनने संपर्क किया उन लोगों को उसने मना कर दिया महाराज सिंह ने, तो ये भी काबिले तारीफ बात है कि व्यक्ति को अपनी नहीं पूरे किसानों की चिंता है। अजय हम आपको रोकना चाहेंगे, अजय आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर, महाराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महाराज सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, कैसे मन में विचार आया सबसे पहली बात ये कल्टीवेटर बनाने का? जी तो बहुत ज्यादा कड़ी जमीन हो जाती थी, मतलब गर्मियों में सर तो जुताई नहीं होती थी जी, तो मैंने ऐसा यंत्र बनाया मतलब ड्रिल समान चलता है वो, पर में घूमते हैं तो कड़ी जमीन कितनी भी कड़ी जमीन हो एक ही बार है मतलब सही जुताई हो जाती है उसमें जी। अब व्यावसायिक रूप से काम करता जी महाराज सिंह जी, क्या व्यावसायिक स्तर पर इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का कोई आपके आपकी योजना है कि ताकि आपका जो आविष्कार है आपने जो प्रयोग किया जो सफल रहा वो देश भर के किसानों को इसका फायदा मिल सके? जी जी, क्या इसका व्यावसायिक तौर पर बड़े स्तर पर निर्माण करने का इन कल्टीवेटर्स का आपने कोई रूपरेखा बनाई है जी, इसका फायदा जो है पूरे देश के किसानों को मिल सके? जी जी बना रहा हूँ सर। पेटेंट कराया आपने अपने आविष्कार को? क्या सर पेटेंट कराया जाता कभी कुछ होता है कोई? हाँ पेटेंट पेटेंट हो गया, NIF द्वारा पेटेंट कर दिया हो उन्हीं लोगों ने जी, मेरे नाम से पेटेंट भी हो गया है और 1 महीने बाद मतलब मार्केट में आ जाएगा ये। तो आपने क्या सोचा है कितना उत्पादन आप इसका करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके आपके बनाए कल्टीवेटर का वो उपयोग करके अपनी जुताई को और बेहतर कर सके, तो ताकि परेशानी ना हो सर? बहुत समस्या आती थी एक ही बार में, ये मशीन में एक ही बार में तीनों काम हो जाते हैं, रोटावेटर जरूरत नहीं पड़ती। महाराज सिंह जी मेरा सवाल ये है, इस कल्टीवेटर को आपने बनाया, आपको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, बहुत ही बधाई आपको इसके लिए, लेकिन आपके इस प्रयोग का आपके इस आविष्कार का आपने जो किसानों के लिए वरदान जो साबित हुआ ये कल्टीवेटर, ये देश भर के किसानों तक पहुंचे और उनका इसका लाभ वो उठा सके, तो इसके लिए इसके उत्पादन के लिए इस कल्टीवेटर को और ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए क्या रूपरेखा है, आपने क्या कुछ प्लानिंग की है और क्या आपको ऐसा लगता है कि मदद मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये कल्टीवेटर बना के आप देश भर के किसानों तक पहुंचा सकें? हाँ जी चल रही है रूपरेखा, NIF द्वारा इसकी मदद कर रही है पूरी मेरी, वो 1 महीने बाद पूरा मार्केट में कंप्लीट हो जाएगा जी।
तो अब महाराज सिंह जी, आप सिर्फ अब कल्टीवेटर का ही निर्माण करेंगे कि आगे भी कुछ और मन में है कि कुछ और बनाने का, कुछ और नए प्रयोग करने का भी आपका विचार है? कुछ क्या कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? आगे भी कुछ है, एक मैंने ट्रांसफर बनाया है जी, और एक पानी का पंप बनाया है सबमर्सिबल का, जो कि सब अपना पानी और ज्यादा देगा वो इस पंप की अपेक्षा। चलिए महाराज सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित किया राष्ट्रपति जी ने, और इस कल्टीवेटर को आप दूर दूर तक देश भर के किसानों तक पहुंचाएं, ये भी हम उम्मीद करेंगे। और जो नए आविष्कार आप कर रहे हैं, जो नए प्रयोग कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में किसानों की बेहतरी के लिए, उसके लिए भी बधाई। और जल्द ही हम उम्मीद करेंगे कि वो तमाम चीजें भी अब आप बनाएं और लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो महाराज सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने कल्टीवेटर बनाया और भी नए प्रयोग ये करने जा रहे हैं, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बहुत ही धन की भी आवश्यकता होगी और सरकारी इमदाद की भी, और बहुत जरूरतें होंगी उन्हें। तो क्या लगता है आपको, क्या ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए क्या कुछ आगे इनको मदद मुहैया कराई जा सकती है, या क्या इनका अगला वो होगा कदम? देखिए राष्ट्रपति पुरस्कार जैसे ही महाराज सिंह लोधी को मिला है, राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं, तो अपने आप महाराज सिंह लोधी अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। और आज उनके पास पैसा भले ही नहीं है, मगर फिर यहीं पर बात आ गई कि सरकार अगर उनको एक बड़ा लोन करवा दे तो महाराज सिंह लोधी जैसे कई और व्यक्ति उस रोजगार से लग जाएंगे जिस रोजगार को महाराज सिंह लोधी चलाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पर ही आती है कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो महाराज सिंह लोधी को एक बड़ा लोन करवाया जाए और उससे ये जो भी हो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके, ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करवाया जाए और उसको सरकार खुद खरीदे और सब्सिडी के तौर पर किसानों को देगी, तो वो भी एक बेहतर रास्ता है किसानों की मदद करने के लिए। मगर यहाँ पर बात अविनाश वही आएगी जो अपन पिछले कई एपिसोडों में करते आए हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति होगी तभी ये काम संभव है। और महाराज सिंह लोधी जैसे ऐसे कई और भी लोग हैं जो अपने टैलेंट अपने हुनर के दम पर ना कुछ करना तो चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके रास्ते में पैसा बीच में आ जाता है और बिना पैसे के कोई भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं की जा सकती, कोई भी बिजनेस को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सरकार को फिर आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करना पड़ेगी और करना चाहिए, जो कि एक किसान का समय भी बचा रहे हैं, किसान का पैसा भी बचा रहे हैं, और एक तीन बार का काम वो एक ही बार में अगर कर रहे हैं तो वाकई में महाराज सिंह लोधी के जज्बे को सलाम है। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों की मदद सरकार को करनी चाहिए। अविनाश, बिल्कुल सही कहा है आपने, सरकार को भी ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की कदर करना चाहिए। और सही कहा आपने कि यदि सरकार इनके प्रयोग को अपनाती है, एडॉप्ट करती है, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इसका होता है, सरकार खुद खरीद कर ये कल्टीवेटर किसानों को मुहैया कराती है, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, सरकार किसानों की मदद भी कर पाएगी और किसान इससे लाभान्वित होकर अच्छी पैदावार कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 मार्च का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। दरअसल 30 मार्च को यहां 15 किन्नरों की शादी होगी और बारात निकलेगी। किन्नर किसी के घर की बहू बनेंगे, तो कोई बेटी बनेगा, तो कोई किसी की अर्धांगिनी। आपको बता दें, हमेशा से ही उपेक्षित और मुख्यधारा से कटे किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में लाने की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए उतना कुछ किया नहीं जाता जितना किया जाना चाहिए। बहरहाल किन्नर भी अब कई क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रहे हैं, और यही वजह है कि अब वो अपनी घर गृहस्थी बसाकर सामान्य जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रायपुर में आयोजित हो रहा ये विवाह समारोह इस दिशा में एक नजीर पेश करेगा, ये तय है। तो किन्नरों ने भी अब आम आदमियों की तरह सामान्य जीवन जीने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है आगे। अब वो विवाह करके, बाकायदा शादी करके एक सामान्य जीवन घर गृहस्थी बसाकर रहना चाहते हैं। कई क्षेत्रों में अब किन्नर आगे आ रहे हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, लेकिन आम इंसान जिस तरह से रहता है, आम व्यक्तियों का जैसा जीवन होता है, हर व्यक्ति शादी विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसाता है, तो इसी दिशा में अब किन्नर भी आगे आए हैं। अब वो भी उपेक्षित जीवन जीने से बेहतर समझते हैं कि वो भी अपना घर बसाएं और घर गृहस्थी आगे बढ़ाकर एक सामान्य जीवन जिए। तो इस तरह से इन किन्नरों ने शादी करने का फैसला किया है। 15 जोड़े हैं जो आपस में शादी करेंगे और एक
सामान्य पति पत्नी की तरह अपना जीवन निर्वहन करेंगे। अमरेश नामदेव हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। अमरेश, ये जो पहल की है किन्नरों ने समाज की मुख्य धारा में आने की और एक सामान्य जीवन जीने की, घर गृहस्थी बसाने की, ये अपने आप में एक अनोखा कदम है। अमरेश, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमरेश, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से किन्नरों ने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का यह फैसला किया है, उपेक्षित समाज कहा जाता रहा है किन्नरों का समाज, लेकिन अब वो भी चाहते हैं एक सामान्य जीवन जीना, आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं, वो अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं, और इस दिशा में जो इन्होंने पहल की है ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अविनाश जी, जो किन्नरों की शादी रायपुर की राजधानी रायपुर में हो रही है, यह कहना चाहिए एक अनोखी पहल है। और ये भी माना जा रहा है कि जैसा कि फिल्म के प्रोड्यूसर का है और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं सुरेश शर्मा जी, इनका भी कहना है और ये बात भी सत्यता से बिल्कुल परे है कि ब्रह्मांड में कलयुग में और त्रेता युग की बात की जाए, सतयुग की बात की जाए, तो उसमें कहीं पर किन्नर का शादी समारोह का वर्णन कहीं नजर नहीं आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इतिहास में एक सराहनीय पहल भी है और एक शानदार पहल कही जाएगी, क्योंकि किन्नरों को विकास की धारा से जोड़ देने के लिए यदि कोई आगे आया है तो सुरेश शर्मा जी आए हुए हैं और इन्होंने हंसा एक सहयोग फिल्म बनाई है जी। हंसा एक संयोग जो फिल्म है उसमें किन्नरों की भूमिका को भी दर्शाया है जी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक इतिहास बनने जा रही है, एक वर्ल्ड पटल पे कहना चाहिए, विश्व पटल पे एक बार पुनः नाम इसका अंकित होगा रायपुर राजधानी का जी। दरअसल जो किन्नरों का विवाह है एक ऐसा कार्यक्रम है, एक अनूठा कार्यक्रम है जो इतिहास में क्या विश्व में भी पहली बार एक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अनूठा कार्यक्रम माना जाएगा। अमरेश, ये कार्यक्रम तो अनूठा है लेकिन सवाल किन्नरों के भविष्य का है, उनके आत्मसम्मान का है, और जिस तरह से उन्होंने गृहस्थी बनाने का फैसला किया है, क्या लगता है कि ये जब पति पत्नी के रूप में रहेंगे तो क्या जो अभी ये पेशा अपनाए हुए हैं इस पेशे को ही अपना कर रखेंगे या कुछ और नया जीवन में करने की इन्होंने की कोशिश है, या ये चाहते हैं कि अब एक आम आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह वो अपना जीवन जिए, या इसी पेशे से ये वाबस्ता रहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, तमाम सवाल ऐसे निकल के आते हैं किन्नरों को यदि विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, शासन प्रशासन तंत्र की बात की जाए, क्या सहयोग मिला है, तो शासन प्रशासन तंत्र ने बराबर थर्ड जेंडर के लिए किन्नरों के लिए बहुत कुछ किया है और ये प्रोड्यूसर मानते भी हैं, पर जो कहना चाहिए सरकारी योजनाएं हैं, ये सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो किस हद तक मिलता है ये तो बात सही है, पर कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय जो कहना चाहिए कि एक समाज को हीन दृष्टि से समाज जिन्हें देखता है, समाज जिन्हें हीन दृष्टि से देखता है, जिनको सम्मान का नजरिया नहीं रहता है समाज के कुछ वर्गों के लोगों में, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को जरूर महत्व दिया जा सकता है। तो रिश्तों की महत्वता के लिए किन्नर समुदाय का जो विवाह है ये कहीं ना कहीं अविनाश जी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दरअसल रिश्तों की डोर से बांधना एक धन दौलत, जहाँ तक बात आती है धन दौलत ही सबको समाज में नहीं होता, कहीं ना कहीं रिश्तों की भूमिका होती है। तो रिश्तों की भूमिका के लिए किन्नर समाज को बांधा जा रहा है और जो कहना चाहिए 15 जोड़ों की शादी अभी हाल जो हो रही है, 15 जोड़ों में 15 जो कहना चाहिए पुरुष समाज के निकल के आ रहे हैं, यह वास्तव में तारीफ काबिल है और सलाम करने लायक है कि जो ऐसे समाज के व्यक्ति को अपना रहा है। अपनाने के बाद सबसे बड़ी अविनाश जी एक समस्या होती है, किन्नरों को बच्चे नहीं होते हैं जी, ये बहुत बड़ा समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए अभिशाप भी का है जी। कि जो बच्चे नहीं होते तो ये बच्चे गोद मेरा ये कहना ये बहुत जी, उनको विकास की धारा से जोड़ा जाएगा, यानी ये कहा जाए कि जो अनाथ बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं अपराध प्रवृत्तियों में, अपराधी प्रवृत्तियों में जिनका नाम आ जाता है, कहीं जुए की लत से ग्रसित हो जाते, कहीं सट्टे की लत से ग्रसित हो जाते, कहीं नशाखोरी से ग्रसित हो जाते, तो ऐसे जगह पर अनाथ बच्चों को कहीं ना कहीं मौका मिलना बहुत बड़ी बात है कि अनाथ बच्चों को समाज की सही दिशा में ले जाने के लिए यदि ये वर्ग आ रहा है तो वास्तव में सराहनीय पहल कही जाएगी। अमरेश, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। विंध्या हमारे साथ समाज सेविका जुड़ गई है फोन लाइन पे, आपका बहुत बहुत स्वागत विंध्या जी। ये जो पहल है अनोखी है, किन्नर विवाह कर रहे हैं और अपनी घर गृहस्थी बसाएंगे, ये भी बात सामने आ रही है कि एक पति पत्नी के रूप में रहकर वो अनाथ बच्चों को गोद लेंगे ताकि उनकी गृहस्थी
भरी पूरी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जब समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की जो पहल किन्नर कर रहे हैं, विवाह के पवित्र बंधन में बन रहे हैं, रिश्ते की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अनाथ बच्चों को गोद लेकर एक अपनी गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसी पेशे से ही वो जुड़े रहेंगे या कुछ नया रोजगार का साधन अपनाएंगे ताकि एक सामान्य जीवन जी सके? क्या कुछ इनके लिए किया जा सकता है और क्या कहना है आपका? देखिए, अगर कोई लड़का शादी करके लेके जाता है और अपनी पत्नी की तरह रखेगा तो फिर ट्रेन में मांगने की जरूरत नहीं है जी। पर सवाल ये है कि किन्नरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, कई लाख है, और ऐसे कंडीशन में सिर्फ अभी 15 किन्नरों के लिए ही लड़के तैयार हुए हैं जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये ट्रेड बदलेगा, चेंज होगा जी। और हर समाज में अलग अलग लोग हैं, तो हमारे भी इस जेंडर में अलग अलग लोग हैं, जैसे कि पुरुषों में भी साधु हैं, संत हैं, सांसारिक जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारे भी थर्ड जेंडर में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो संत और साधु और संत की तरह रहते हैं जी जी। जो डेरों पे रहते हैं और लोगों को जाके दुआ और बधाई देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोग शादी करके अपना सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं। तो जो लोग सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी, हमारा जेंडर बाद में आता है लेकिन पहले हम इंसान हैं, हमें भी एक सहारे की जरूरत है, इमोशन सपोर्ट की जरूरत है। जी, सवाल मेरा ये है कि बहुत ही सही कहा आपने कि वाकई एक सांसारिक जीवन जीने का हक सभी को है, जो जैसा जीवन जीना चाहे, लेकिन ये किन्नर समाज जो है हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है। लेकिन जब ये पहल हो रही है, वो अपने विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, तो क्या जो उनका पेशा है, जो बधाई लेकर जो है वो नाच गाकर किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं, तो क्या जब एक शादीशुदा जिंदगी जब वो जीना चाह रहे हैं, तो क्या इस पेशे से भी उनको निकाल कर समाज की मुख्य धारा में जो और अन्य रोजगार होते हैं, क्या उनसे जोड़ने की भी इनकी मंशा है, अन्य रोजगार से जुड़ने का ये ख्वाहिश रखते हैं, या इस इनको अन्य रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए आप लोगों का क्या कदम होना चाहिए? देखिए, हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी किन्नर भीख नहीं मांगना चाहती जी। अगर मैं ट्रेन की बात करूं, कोई भी किन्नर या कोई भी ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन जो है वो वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती जी जी। रोजगार नहीं होने की परिस्थिति में, परिवार का एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से जी जी। समाज में भेदभाव होने की वजह से हम मजबूरन ट्रेन पे और रेड अलर्ट एरिया पे जाके अपना बदन बेचते हैं ताकि हम दो वक्त की रोटी खा सके। अगर मुझे कोई लड़का शादी करके लेके जाता है और खुद कमा के खिलाएगा, मैं परिवार का काम करूंगी, मैं परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगी, तो डेफिनेटली मैं मांगने नाचने नहीं जाऊंगी जी जी। और रहा सवाल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा काफी काम किया गया है, खासकर यहाँ पे 150 किन्नरों को मकान दिया गया है जी जी। लोगों के पास में थर्ड जेंडर कार्ड बना हुआ है, लोग अवेयर हो, सेंसिटिव हो करके बहुत सारे सिलेबस जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक हमारी जो लड़ाई है वो रिजर्वेशन की लड़ाई है। अगर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश में ये कहा गया है कि किन्नर जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाए, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कहा गया है, अगर हमें रिजर्वेशन मिल जाता है छोटे छोटे नौकरियों पे या बड़ी नौकरियों पे, तो हमारी जो किन्नर बहन है वो भी रोजगार करेंगी और वो भी आपको ट्रेन पे, सिग्नल पे और रेड अलर्ट एरिया पे नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने बिंदा जी, होना भी चाहिए। आपकी कोशिश है, आपको ऐसा लगता है कि यदि आरक्षण का प्रावधान हो तो किन्नरों की तकदीर और तस्वीर इस पूरे समाज की बदल सकती है। लेकिन बहुत बहुत बधाई जिस तरह से एक नई पहल शुरू की है, किन्नरों ने विवाह करके अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने की, घर गृहस्थी बसाने की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को इस आयोजन के लिए। और उम्मीद करेंगे कि समाज की मुख्य धारा से कटे रहने वाले किन्नर समाज की मुख्य धारा में आए, अन्य रोजगार से भी वो जुड़े और एक बेहतर जीवन जी सके। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही, बने रहिए आप न्यूज वर्ल्ड के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।